हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे आपकी मार्किंग के बारे में, जो कि बाइनल स्टूडेंट्स की मार्किंग होती है और रिज़ल्ट जो है आपको कब आने की चांसेस है। देखो, 11th क्लास के स्टूडेंट्स का अभी दो पेपर अभी देने हैं और 10th को भी अभी दो पेपर देने हैं। 12th को लगभग कंप्लीट हो गया है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जो कि पेंडिंग है, बाकी सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो गया। लगभग 1 नवंबर तक सबका पेपर ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि आपको मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना दूं ताकि आप लोग सब समझ जाओगे। देखो, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे जो आपका रिज़ल्ट आने वाला है, वो मैं आपको बता दूंगा कि आपका रिज़ल्ट 50 डेज़ के बाद आता है, या तो 40 डेज़ के बाद या 50 डेज़ के बाद, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली देखा जा रहा है दो सालों से कि आपका रिज़ल्ट 2 महीने के बाद आता है। इसका मतलब ये है कि आपका जो रिज़ल्ट होगा वो जनवरी में आ जाएगा, जनवरी के 1st वीक में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। और दूसरी बात ये है कि रिज़ल्ट जब आ जाएगा मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, उससे पहले कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगी। आपको पता होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स फेक मैसेज मुझे भी कर रहे होते हैं कि सर रिज़ल्ट आ गया, शायद ये है वो है। वो लिंक्स होती है, वो हैकर्स लिंक्स बनाते हैं आपको हैक करने के लिए, जो भी आप के मोबाइल में डेटा होता है वो कलेक्ट करते हैं वो अपने मोबाइल में। इसलिए लिंक्स पर कभी भी क्लिक नहीं करना चाहिए, कोई भी अननोन लिंक क्लिक नहीं करना चाहिए, मेरी एडवाइस है आपको। अब यहाँ पर दूसरी बात ये है कि जो आपका बाइनल का एग्ज़ाम तो हो गया किसी सब्जेक्ट का, तो अगर मैं बता दूंगा आपको, अगर आपने पेपर 50% किया है, क्या आपको 50% में 50% मिल जाएगा, ये सवाल है। देखो, 50% का चांस ही तभी होता है जब आपने एक्यूरेट 50% किया होगा। किसी ने 50 किया लेकिन खुद ही लिखा है ना, कशीर पर नेशनल खोटासन नेशनल दो टासन वही लिखा है, ठीक, तो आपको उसमें कुछ मिलेगा ही नहीं। उसमें अगर मानो तो 25 मार्क्स मिल जाएंगे, तो 25 मार्क्स तो फेल कंसिडर हुआ ना, आपको 36 लाने हैं आउट ऑफ 100 और 80 में से आपको 26 मार्क्स लाने होते हैं। देखो, बाइनवल की जो मार्किंग होती है ना वो ज़्यादा टफ नहीं होती, वो इजी रहती है। क्यों इजी रहती है, उनको पता होता है कि ये जो स्टूडेंट है इन्होंने दोबारा एग्ज़ाम दिया है, अब इनको थोड़ा सा चांस देंगे फिर से स्टडी कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि डाटा जो सेंसस के मुताबिक बता दिया गया है कि जो स्टूडेंट 10th के बाद पढ़ाई छोड़ देता है अक्सर स्टूडेंट्स फिर काम पे लग जाते हैं, और 10th इज़ द बेसिक फाउंडेशन ऑफ योर एजुकेशन। अगर आपने 10th में फेल हो गए तो आप सोचते हो कि मैं छोड़ूंगा पढ़ाई वो ये, तो इसलिए उन्होंने एक प्लान किया है कि जो भी 10th क्लास में पढ़ता है उसको कम से कम हम पास करेंगे, अगर डिस्टिंक्शन नहीं तो कम से कम हम उसको डिवीजन देंगे ताकि वो जो है वो आगे पढ़े और हमारे कश्मीर का और हमारे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करे। इसीलिए उन्होंने ये प्लान किया है कि अब हम सारे स्टूडेंट्स को पास करेंगे। लेकिन ये रहा सवाल कि आपने कुछ लिखा ही नहीं तो क्या पास करेंगे, उस टाइम आपको पास नहीं किया जाएगा, आपको पास तभी किया जाएगा जब आपने कुछ लिखा होगा। अदरवाइज़ अगर आपने कुछ लिखा ही नहीं होगा तो आपको कुछ नहीं मिल सकता। कम से कम मैंने आपको सजेशन की थी एग्ज़ाम से पहले कि जब आपके सामने पेपर आता है अगर कुछ नहीं आता तो तब भी आप नॉर्मल बिहेव कीजिए ताकि पता चले कि आपको सब आता है, फिर आप आराम से लिख सकते हो जो भी आपको आइडिया आता है कि ये वर्ड है वो वर्ड है, तो आप थोड़ा सा अपनी इंग्लिश राइटिंग में टूटा फूटा इंग्लिश लिख सकते हो, उसमें आपको मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन किसी और टॉपिक पर चाहिए, मिसाल पेपर, या आपको अब 24 एग्ज़ाम देना है यानी कि 2024 में जो कि सेक्शन आने वाला है मार्च में एग्ज़ाम, उसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे, या फिर डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक। इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए छोटी सी, इसको शेयर लाइक करना, भाई को दीजिए इजाज़त, अल्लाह।